हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नव्य स्टडी पॉइंट। तो आज बच्चों को मैं डिक्टेट किया था लर्न करने के लिए, बट इन्हें साउंड याद नहीं हो रहा। जिनको साउंड नहीं याद होगा उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कौन कौन लिखा है। वह ए आता है ना, जब देखो जब क्या होता है, जब ए यानी कि ए फॉर एप्पल आता है तो हम मुंह को खोलते हैं, ए बोलते हैं। लेकिन जब ई आता है तो हम बोलते हैं ए। जैसे मैंने बोला टेन, तो टेन को मैं क्या टैन बोलती हूँ, टैन नो। हम क्या बोलते हैं टेन, क्या बोलते हैं टेन। हम पेन को क्या पैन बोलते हैं, एक पैन दे दो। हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे एक पैन दे दो, नो। हम बोलते हैं मुझे एक पेन दे दो, मुंह नहीं खुलता। देखो पेन और पैन, पैन में पूरा मुंह खुल गया। देखो वंस, देखो पैन। तो ये ए होगा। जब भी कोई चीज ए बोलोगे तो क्या लिखोगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब कोई चीज क्या लिखोगे, जब ई फॉर एलिफेंट वाला आएगा तो क्या होगा। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ बेड, बेड, बेड में क्या बैड बोल रही हूँ, नो। लेकिन बेड और बैड में बहुत अंतर है। बैड मतलब होता है गंदा और बेड मतलब बिस्तर, बेड। देखो बेड, देखो इसको पढ़ने दो, लिखो नैप, ए फॉर एप्पल, पेट, ई। समझ में आ गया, आ रहेगा तो क्या लिखेगा। हमें क्या मिले, जिसको खाने से हमें एनर्जी मिले, दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग। और चपाती, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जिनको खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। अच्छा अब प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि बचाते हैं। अगर देखो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों खाते हैं, ताकि हम बीमार ना हो। हम इसलिए खाते हैं, जब देखो जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है वो एडमिट हो जाता है तो सब लोग उनके लिए क्या लेके जाते हैं, कि मीठा वो लेके जाते हैं, वो मोमोज बर्गर पिज्जा लेके। जब हॉस्पिटल में कोई रहता है एडमिट होता है तो लोग क्या लेके जाता है, फ्रूट्स, है ना, कैरेट, कोई कोई सेल, वो बीट रूट एप्पल, ये सब भी खा सकते हैं। बट हम जब बीमार होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं तो क्या हम मोमोज बर्गर को लेके जाता है, नहीं। तो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, क्या करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोटेक्ट करता है यानी कि बचाता है। समझ में आ गया। और हेल्दी खाना क्या होता है, हेल्दी फूड, सूप एंड सैलेड। जब देखो बहुत हेल्दी खाना खाना होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं मैं डाइट पर हूँ, मैं हेल्दी खाना आजकल खा रहा हूँ, यानी कि मैं अपना वजन को कम कर रहा हूँ। और हेल्दी रहना पड़ेगा, हेल्दी हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्दी हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। और हेल्दी खाना क्या होता है, सूप सैलेड, ये नहीं कि खूब पूरी पकवान बना बना के खा रहे हैं। समझ में सबको आ गया। अच्छा फैट्स, फैट सुना है, इधर फैट इधर फैट इधर फैट इधर फैट, चारों तरफ फैट। तो फैट जो होता है यानी कि ऑयल, ऑयल से हमें क्या मिलता है, फैट, यानी कि तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए, हमें हेल्दी खाना खानी चाहिए। सबको समझ में आ गया, चलो अपना काम करो। सीधे बैठ जा भाई, सोफा मत लगा दियो। हाँ हवा भी क्या करती है, जगह ऑक्युपाइज, ऑक्युपाइज का मतलब घेरना, ऑक्युपाइज का मतलब घेरना। तुम क्या करो, देखो एक बलून लो, बलून में क्या करो, हवा भर दो।